Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Arjun and currently I'm working as SBI PO. So actually मेरा transfer होने वाला है next week probably. So I'm going to discuss about transfer policy in probation in SBI. So actually क्या है कि एक साल होने वाला है तो अब probation का एक साल complete होने वाला है. So ये second branch चल रही थी, अब जो है third branch का allotment होगा. तो इसमें क्या होता है कि जब ज्वाइनिंग होती है तो आपको फर्स्ट ब्रांच जो मिलती है वो रिटेल के रिगार्डिंग मिलती है. जो भी रिटेल ब्रांच होगी आपके आपके पोस्टिंग एरिया है ना, सो आपको वो मिलेगी. देन सेकंड ब्रांच जो है वो एसएमई की होती है. तो एसएमई की ब्रांच भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, लगभग 5-7 दिन की और है. 31 मार्च लास्ट डेट दी हुई थी. सो सेकेंड ब्रांच कंप्लीट होने वाली है और थर्ड ब्रांच जो है वो रूसू की रहेगी, रूरल और सेमी अर्बन, जिसमें केसीसी के लोन ज़्यादातर होंगे. सो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है एसबीआई में प्रोबेशन के टाइम पे. सो दो ब्रांच हम कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड ब्रांच जो है वो 1 ईयर के लिए मिलेगी. जो फर्स्ट ब्रांच थी रिटेल वाली वो मिलती है लगभग 5 से 5.5 महीने के लिए, और जो सेकेंड ब्रांच है वो मिलती है 6 से 6.5 महीने के लिए. ठीक है, तो ये सेकंड ब्रांच कंप्लीट है और थर्ड ब्रांच जो है वो 1 ईयर की रहेगी और पासिंग ब्रांच रहेगी. और इसके साथ एक चीज़ और है कि फर्स्ट ब्रांच में जो कैपेबिलिटी पावर होती है वो 1 की होती रहती है पीओज की, सेकंड ब्रांच में 2 की रहती है, और थर्ड ब्रांच में जाके 5 की हो जाएगी. एक प्रॉपर ऑफिसर के तौर पे काम करना पड़ेगा थर्ड ब्रांच में. सो ये ट्रांसफर पॉलिसी रहती है एसबीआई बैंक में प्रोबेशन में. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक्स अलॉट.